सुप्रभात मान्यवर, आज मैं आपको लेके चलूँगा एक बड़े ही एडवेंचरस टूर पे। दरअसल मैं 5 दिनों के लिए वनवास पे जा रहा हूँ। जी हाँ, वनवास पे मैं दरअसल जा रहा हूँ। मुराल मुराल एक बहुत ऊंचा पीक है डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में। बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है और यहाँ पे ट्रैकिंग करने में 3 दिन का टाइम लगेगा मुझे ऊपर चढ़ने में, और टोटल जो मेरा समय रहेगा वापस आने का वहाँ रुकने का तो वो 5 दिन का है। तो 5 दिन के लिए मैं वनवास में रहूँगा। वनवास में रहने के लिए मेरे पास जो सामान है वो टेंट है और साथ में स्लीपिंग बैग है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। 5 दिन का मेरा खाने पीने का सामान मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। ये टूर एक, मैं सभ्यता से दूर जा रहा हूँ, लोगों से दूर जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है ये। बहुत कम लोगों ने इसको देखा है और सच बात तो ये है, मेरे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं उन्होंने मना किया कि मत जाओ इतना दूर, कहाँ आप जा रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार मैं जाना चाहता हूँ, ट्रैकिंग करना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को ये ख़ास जगह हिमाचल की दिखाना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं हूँ नारकंडा में और नारकंडा से जो सुगरी है ये लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मैं अपनी कार लेके जाऊँगा और फिर उसको मुझे रखना पड़ेगा सुगरी नाम की जगह पे। वहाँ से फिर मुराल के लिए मुझे पैदल ट्रैक करना है 3 दिन। ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं उनको 3 दिन नहीं लगते हैं क्योंकि वो फटाफट जाते हैं, फटाफट वापस आते हैं, लेकिन मुझे समय लगेगा क्योंकि मैं आराम से शूटिंग करता हुआ जाऊंगा। तो मैं 3 दिन पूरे लूँगा यहाँ से मुराल पहुँचने में और मेरा खाना पीना वहीं पे ही होगा। आज मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है, आज रात की जो कैंपिंग है वो भी मैं जंगल में ही करने वाला हूँ। अब देखना ये है कि ये मौसम मेरा साथ देता है या नहीं देता है। जो भी होगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आइए आपको लेके चलता हूँ 5 दिन के इस टूर पे। पहुंच गया हूं इस समय सुगरी, और मुराल अगर आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा वो एकदम टॉप है। यहां पहुंचने में 3 दिन का समय मुझे लगेगा, वो एकदम लास्ट में जो पूरा एकदम टॉप आपको दिखाई दे रहा है वहां मुझे जाना है। और अभी तक फ़िलहाल कोई परेशानी नहीं हुई है, यहां पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी जो रात है वो अच्छी गुजरेगी। फ़िलहाल अब मैं कार को पार्क करूँगा यहाँ पे। सुगरी नाम की यह जगह है, बहुत खूबसूरत है, कभी आप आइएगा आपको अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ से आगे मैं फिर पैदल ट्रैक करूँगा। एक इशू मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सफाई को लेके, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर इस तरह का हिमाचल प्रदेश में या कोई भी ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं भारत के, वहाँ पे अगर ये समस्या है तो उसको साफ करेगा कौन। देखिए, ये हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ये जो जिम्मेवारी है ये हम सब की है, इसमें से कोई भी एक नहीं है। ख़ास करके अभी जहाँ पे मैं हूँ सुगरी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वीडियो में आप आगे देखेंगे इसको। और यहाँ पे मैं कुछ यंगस्टर से मिला हूँ और सच बात तो ये, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके, उनके विचार जान के। तो आपसे थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा उनको। माइसेल्फ विनू मेहता, आई एम अ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट NECOI हिमाचल प्रदेश, और मैं यहीं से हूँ बेसिकली, चरमाली सुगरी। आप दिल्ली जैसी जगह से, आप लोकलिस्ट हैं लेकिन आप दिल्ली में ही बचपन से सेटल्ड हैं, और आपका जो प्यार है नेचर के लिए वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज सुगरी आए हैं, मुराल डंडे को एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुनिया के सामने इस जगह को आप प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी भाई के सब्सक्राइबर्स हैं आप आइए और भाई के ज़रिए इस जगह को आप घूमिए और आपको बहुत सुकून मिलेगा इस जगह पे। मैं कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश में अगर खूबसूरत जगहों बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन जो सुंगरी है ये हमारे ब्रिटिश हुकूमत के समय से सबसे खूबसूरत जगह मानी गई है नारकंडा के बाद। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला ब्रिटिश हुकूमत की रही तो उस दौर में ब्रिटिशों द्वारा इस जगह को एक्सप्लोर किया गया नारकंडा और सुंगरी को। ये बहुत खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब 100 साल पुराना रेस्ट हाउस भी अभी यहाँ पर है और ये बहुत खूबसूरत है। बात की भाई ने बिल्कुल, आज की डेट में टूरिज़्म बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर जो गंदगी है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ रही है। लोग पीक की तरफ ट्रैकिंग करना चाहते हैं, 10 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन हम देख रहे हैं कि रास्तों में शराब की बॉटलें तोड़ी जा रही है और जो पीक है उसको शराब का अड्डा बनाया जा रहा है। प्रशासन भी इस तरफ ध्यान दीजिए और मेरा युवा साथियों से ज़्यादातर आग्रह रहेगा कि आप बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो पूरे भारत देश से यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। मैं लोकलिस्ट लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं कि हम इस क्षेत्र को साफ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गंदगी डाली जा रही है बहुत ही दुखद है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप ज़रूर आइए, लेकिन आप गंदगी का विशेष ध्यान रखिए कि गंदगी ना फैले। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था सफाई को लेके, जो नारकंडा के पास में भी एक वो भी एक कमेटी है एक्चुअल में यंगस्टर्स की, तो उन लोगों ने, मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था, उन लोगों ने पूरा एक जीप भर के वो कलेक्ट किया था पूरा गार्बेज का, और वो सारा का सारा उसमें बॉटल्स थी, रैपर्स थे, वो सारे के सारे फेंके हुए। आप सोचिएगा कि ये जगह इतनी खूबसूरत है, अगर यहाँ पे हम अपने कोई रैपर, सिगरेट के पैकेट्स, बॉटल्स फोड़ना शुरू कर देंगे तो ये खूबसूरती कितने दिन चलेगी? हम अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आप देखेंगे कि जो बाकी जो दूसरी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे आज गार्बेज की इतनी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसमें से एक एग्जांपल है गंगा का। गंगा को साफ़ करने के लिए आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, आपने देखा कई हज़ार करोड़ का उसमें जो है बजट होता है, लेकिन गंगा को आज तक कोई साफ़ नहीं कर पाया। उसका सिर्फ बेसिक यही है कि हम लोग उस चीज़ के लिए शायद मेंटली प्रिपेयर है ही नहीं है। जो भी चीज़ है, कार से हम लोग, अगर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, रैपर निकाला बाहर फेंक दिया, केले का छिलका निकाला बाहर फेंक दिया। कोशिश करें हम सब लोग, क्योंकि हमारा देश है, हमारी स्टेट है, खूबसूरत रहेगी तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसको ठीक इसी तरह से इंजॉय करेगी। मेरे पीछे अभी आप जो देख रहे हैं ये है लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस। ये काफ़ी पुराना रेस्ट हाउस है, जैसा आपने मेरे एक और वीडियो में देखा था, खदराला वाले वीडियो में, तो ठीक ऐसे ही ये भी यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है। इसके बारे में मीनू भाई जो है थोड़ा सा हमें आज एक्सप्लोर कराएंगे इस पूरे रेस्ट हाउस को, तो देखते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमें इस लोकेशन पर आना है तो कैसे आएंगे, ये कैसे बुक होगा, वो सारी चीज़ें जो है विनू भाई आज हमसे डिस्कस करेंगे। तो विनू भाई बिल्कुल प्लीज़। ये सबसे पुराना रेस्ट हाउस है, 100 ईयर्स इसको 2017 में पूरे हो चुके हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ये रेस्ट हाउस यहाँ पर बनाया गया था। समर कैपिटल शिमला हुआ करती थी, उसके बाद जब हिल स्टेशन ढूंढा गया तो सुंगरी सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन ब्रिटिशों के लिए हुआ करता था। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं 2017, ये आज आप देख सकते हैं 2021 लग चुका है। तो टूरिज़्म बहुत सुंदर, अपना रेस्ट हाउस बहुत सुंदर है, लेकिन सरकार लापरवाह होती है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेस्ट हाउस होते, इससे जो सरकार का रेवेन्यू है वो बहुत जनरेट हो सकता है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। तो इसमें जो कलाकृति और जो चिमनियाँ बनाई गई है उस ज़माने में जो होता था, तो आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए ये देखिए आप, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सुंगरी, बहुत पुराना है, वुडन का है सारा, टोटली लकड़ का बना हुआ है। तो आप आइए जी, आप देख सकते हैं ये अभी रेनोवेट हुआ है, ये वाला भी वुडन का है सारा, ये बहुत पुराना है साथियों, ये सभी वुडन की फ्लोरिंग हुई है। जो इसका सबसे खूबसूरत जगह है ये आप देख सकते हैं चिमनी, जो उस जमाने में है लंदन में जिस तरह से भवन बने हैं वहां पर चिमनियां विशेष तौर से बनाई जाती है। यूरोप में आपको ये चीजें मिलेगी। और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है साथियों, ये 9000 की फीट पे ये जगह जो सुंगरी है टूरिज्म प्लेस है, बहुत खूबसूरत है ये बसा हुआ है। आप देख सकते हैं चिमनी जो बनाई गई है, यहाँ पर आग जलाई जाती है, अगर जब यहाँ पर लोग आते हैं स्टे करते हैं तो यहाँ पर आग जलाई जाती है सर्दियों में, तो इस चिमनी में एक थोड़ा भी धुआं नहीं लगता है, आप जितनी मर्जी यहाँ पर आग जला लो। और इसका जो आप देख सकते हैं कितना पुराना
पुराने तरीके से बनी गई है, किस तरह से बनाई गई है। तो ये सभी देखने वाली चीजें हैं यहाँ पे। वो देखिए किस तरह से कितने बहुत एक वेल प्लानिंग के साथ ये बनाया गया वेंटिलेटर, आप देख सकते हैं। जबकि बाहर से अगर हम देखें तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि वेंटिलेटर बनाया गया है, लेकिन आप देखिए पूरा जो वेंटिलेशन है, पूरा जो इसका धूप है पूरा आपके बेड पे पड़ता है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत खूबसूरत है। जबरदस्त। तो आप देख सकते हैं 100 साल पुराना है, अब तो 103 साल हो चुके हैं इसको, 103 104 साल। तो अभी रेनोवेशन वर्क शुरू हो रहा है इसका। ये जो इसका दूसरा कमरा है अभी इसको रेनोवेशन करना है। वो देखिए अब टोटली वुडन वर्क हुआ हुआ है। और आप एक चीज और देखिए, जो इसमें वुडन वर्क हुआ हुआ है, इस तरह का वुडन वर्क शायद आपको जो बहुत ऐतिहासिक जो धरोहर है हिमाचल प्रदेश में, जो ऐतिहासिक भवन है, चाहे वो राजभवन हो गया हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो पीट्रॉफ हो गया जो टूरिज्म का होटल है, तो उसमें इस तरह के कार्य ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किया गया। आप आइए और यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी। आप अगर रुकना चाहते हैं, आपको यहाँ पर हम होम स्टे भी दिला सकते हैं, आपको हम यहाँ पर टेंट की पूर्णतः सुविधा दिला सकते हैं। अगर आपको इस रेस्ट हाउस में रहना है तो आप सरकार के जरिए जो आपका PWD विभाग है, एक्सिन के थ्रू या SDU के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, यहाँ का चार्ज क्या होगा अगर कोई आना चाहे यहाँ पे, तो यहाँ का चार्ज क्या होगा पर नाइट? यहाँ पर 600 रुपये आपको बहुत मिनिमम चार्ज है, 600 रुपये। खाने पीने की आपको पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल जाएगी, वो आपको ऐसा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार जनों के साथ आइए, माता बहनों के साथ यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। और आपको जिंदगी का जो आप सुकून चाहते हैं, जो एक शांति चाहते हैं पहाड़ों में, वो सुंदरता भी आपको यहाँ मिलेगी, वो शालीनता और सुकून भी यहाँ मिलेगा। फिर भी ट्रैक तो करना ही है, और वो है वहाँ पे पीछे मुराल। फाइनली बारिश शुरू हो ही गई और मेरा भी सफ़र शुरू हो गया मुराल के लिए। अच्छा स्वागत हो रहा है, ये है यहाँ से फिर रास्ता। और इस तरह का अच्छा देखेंगे, रास्ता ठीक है, आप ट्रैक करके ऊपर धीरे धीरे चलिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ेंगे थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। थोड़ा भीग गया, बारिश हो रही है कंटिन्यू, और ये पेड़ के नीचे रुक गया मैं। एक्चुअली बैग्स हैं बहुत भारी भारी, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा और फिर ऊपर की तरफ चढ़ूँगा। मैं भाग के आया बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे, उम्मीद है बच जाऊँगा। अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो यहाँ से आगे अब निकलना पड़ेगा, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। रास्ता भी पूरा गीला हो गया, फिसलन वाला है, थोड़ा सा ध्यान से चलने की जरूरत है। ये है कुदरत का नज़ारा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और अब धूप आ गई है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं, तो अब आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि थकान भी हो गई है,
अब मैं यहाँ कहीं आसपास में एक साइट देखूँगा जहाँ पे मैं अपना कैंप लगा सकूँ। और मौसम थोड़ा सा खुलने वाला है, अब देखिए धूप हो रही है तो मुझे लगता है मुझे अपना बोरिया बिस्तरा कहीं पे लगा देना चाहिए और उसके बाद इंतज़ाम होगा आज के खाने पीने का। फाइनली ये है आज मेरा टेंट। अब आपको अंदर से दिखाता हूँ आज मेरा घर। ये है मेरा सामान, मेरा स्लीपिंग बैग, बैग्स और वो बीच में छोटा सा कैमरे वाला बैग, और उसके अलावा पानी की बॉटल्स बाहर थी। तो ये है आज मेरा घर और इस घर में रात गुजारूंगा। थोड़ी थकान भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा कुछ खाऊंगा पहले, उसके बाद फिर मैं अपना बिस्तरा लगा के एकदम मस्त तरीके से सो जाऊंगा। दरअसल आज क्योंकि बाहर मैं आग जला नहीं सकता, कुछ अपने लिए पका नहीं सकता, तो आज मैं ये कुछ टमाटर काट के भेल बनाऊँगा। और मेरे पास मैं सारा सामान लेके आया हूँ, प्याज है, नींबू है और भेल का सामान भी है, वो सारा कुछ। तो मैं ये फ़िलहाल भेल पूरी आज बनाऊँगा। ये हो गई है भेल तैयार, आज का मेरा डिनर। एक्चुअली मैं अपने साथ चावल लेके आया हूँ, टमाटर, अनियन, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो आग जला नहीं पाया। लास्ट में ऑप्शन यही था कि मैं ऐसा कुछ खाऊं जो आसानी से बन सके। अब आग के बिना भेल ही बन सकती थी, आज तो मैगी भी नहीं बन सकती थी। तो फिलहाल आज ये मेरा डिनर यही होगा, खा के देखूँ। लगता भेल पूरी का बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ मैं। अपने मियाँ मिठू। अच्छी बनी है। ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है सच में, जब आप ट्रैकिंग करें, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का सच में कोई पता नहीं होता कब बारिश हो जाए। तो आप इस तरह का फूड अपने साथ में रखिए कि अगर बारिश हो जाए, आप आग ना जला पाएं, तो आप रेडी टू ईट, जिसको बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ अपने साथ रखिए कि उसको जो है तुरंत खा सकें। आप अपना टेंट लगाइए और उसके बाद खाना शुरू कीजिए। डिनर हो गया, अब है सोने की तैयारी। एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, ये एक्चुअल में मुझे मिला था एयर अस्ताना में कज़ाकिस्तान से, जब अलमाटी से मैं आया था तो मैंने संभाल के रखा हुआ है तकिया। फूंक मारो फुला दो, तकिया बन जाएगा। तो फ्रीबीज़ आपको कभी भी मिले तो ट्रैकिंग में आपके बहुत काम आती है, आप भी अपने साथ में इस तरह से रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं मारूंगा इसमें फूंक। मेरा तकिया तैयार है। ये मेरा स्लीपिंग बैग अब रेडी। तो अब मैं आपको मिलूँगा कल मॉर्निंग में, फ़िलहाल थके हैं और अब मैं सो जाता हूँ। शुभ रात्रि।